लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और बात करूंगी जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी हालात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि 3 सालों से जो गठबंधन था पीडीपी और भाजपा का, वो टूट गया और उसके बाद अब लगातार अब इस बात की कहीं ना कहीं जो है बातें उठ रही हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में घाटी में अब किसकी सरकार बनेगी। उमर अब्दुल्ला के बयान का जिक्र करूंगी अभी। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार बनाने का जो प्रोसेस है उसको हल किया जाना चाहिए। कल बकायदा उन्होंने मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने ये कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की आवाम के लिए कहीं ना कहीं ये एक मुश्किलात है अगर बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा है। हालांकि अभी वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है और अनिल वोहरा जो है, नरेंद्र नाथ वोहरा, वो वहाँ पर कमान संभाल रहे हैं पूरे शासन व्यवस्था की। कल उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और सुरक्षा का जायजा लिया था। चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर ही, तो अब बात करूंगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर। अमित शाह का पूरा इस गेम प्लान के पीछे हाथ है, कहा जाता है पूरे प्लान के पीछे उनकी ही स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, क्योंकि गठबंधन तोड़ने से पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र रैना, उनको बुलाया था और इसके अलावा जो वहां पर और भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ बैठक की और उसके बाद बकायदा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया राम माधव की तरफ से कि अब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस कंटिन्यू नहीं होगा। वजह बहुत सी हैं, आपको वजह पता भी चल गई होंगी। महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी वजह गिना दी कि आखिर क्यों अलायंस टूटा। अब यहाँ पर अमित शाह जो है गठबंधन टूटने के बाद अब कुछ ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी कम नहीं है, वो भी ईद का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। भले ही अब वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हों, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली और उनके सियासी परिपक्वता की अगर बात करूँ तो वो उनको भी कम आंकना अमित शाह के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हम मानते हैं लेकिन वहाँ के लोग हमें अपना नहीं मानते हैं। और इसी वजह से है कि इस राज्य को बहुत विशेष सहूलियत दी गई है, चाहे वो धारा 370 हो और चाहे वो और भी बातें हों, और भी अधिकार हों। कुल मिलाकर जिस तरह से सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, होता रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि जब तक हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी, शायद ऐसा चलता रहेगा बदस्तूर। हालांकि सीज फायर जो है सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने का सबसे अहम कारण बताया जा रहा है, क्योंकि रमजान के वक्त महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय सेना की तरफ से गोलीबारी ना की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसमें हामी भर दी। उसके बाद पाकिस्तान को एक और हाथ, एक और वजह मिल गई, एक और खुले उसके हाथ खुले थे और ज़्यादा खोल दिए महबूबा मुफ्ती के इस फैसले। लगातार उस सीमा पर हमारे जवान शहीद होते रहे, उसके बाद फिर आवाज़ उठी कि रमजान के बाद फिर से एक अमरनाथ यात्रियों को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसी ही पेश कर रखी, वहाँ पर बीजेपी के गले नहीं उतरी ये बात और फिर बीजेपी आ गई अपनी ही दम पर, यानी कि हिंदू कट्टरवादी छवि जैसी है भारतीय जनता पार्टी की। और फिर वही, और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रहित के लिए वो सत्ता का लालच नहीं कर रही थी बीजेपी और इसीलिए उसने पीडीपी का साथ छोड़ना मुनासिब समझा। चलिए आप अमित शाह क्या शंखनाद करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में उसको आपको बताते हैं कि आखिर क्या प्लानिंग है और क्या महबूबा मुफ्ती इस जोड़ का तोड़ निकालेंगी। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ये है प्लान, 3 दिन बाद अमित शाह करेंगे शंखनाद। जम्मू कश्मीर में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने वाली भाजपा पूर्ण बहुमत पाने की कोशिश में जनता के बीच तो जाएगी, कार्यकर्ताओं में भी सत्ता के लिए नया जोश भरने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने और पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी अपने प्लान बी पर काम करने लगी है। प्लान बी क्या है वो जान लीजिए आप। 3 दिन बाद यानी 23 जून को, आगामी 23 जून को पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक विशेष रैली करने जा रही है। वैसे तो हर साल ये रैली होती है मगर अब बदले में राजनीतिक घटनाक्रम ये रैली लेकिन बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में ये रैली ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पहुंचकर ना केवल वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि इसी बहाने सूबे में भाजपा को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, मैं माफी चाहूंगी मैंने शुरुआत में इनका नाम गलत बोल दिया था, मैंने सुरेंद्र रैना बोला था लेकिन उनका नाम रविंद्र रैना है, मैं माफी चाहती हूँ।
तो रविंद्र रैना ने मीडिया को बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पार्टी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है और बतौर रैना इस रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे और राष्ट्र सर्वप्रथम पर जोर है। राजनीतिक समीक्षकों का साफ कहना है जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी का गठबंधन बेमेल था और दोनों पार्टियों की विचारधारा में कोई तालमेल नहीं था। बावजूद इसके गठबंधन हुआ और 3.5 साल तक सरकार भी चली, मगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया गया। बीजेपी ने पीडीपी पर आतंकवाद से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाकर जम्मू कश्मीर के बहाने देश की सियासत को अलग धार देने की कोशिश की और भाजपा अब उसी के तहत राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वप्रथम का दर्शन न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में प्रचारित करेगी। चलिए ये बात ये हो गई अमित शाह की स्ट्रैटेजी की, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर दाव खेलने वाली है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, पहले बीजेपी का नाम जनसंघ हुआ करता था जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उन्हीं के बलिदान दिवस पर जम्मू कश्मीर में आगाज करेगी भारतीय जनता पार्टी, एक रैली आयोजित करेगी और इस रैली में पहुंचेंगे अमित शाह और इस बात की जानकारी दी है बीजेपी के अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना ने। यानी कि कुल मिलाकर इस तरह से वहां पर लोगों की आवाम जो वहाँ माफ़ी चाहूँगी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वहाँ आपके बीच में जाएगी और फिर उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पे बात ये कही गई है इस खबर की, अगर बात करो तो कि आखिर वहाँ पर जो है जनता को कैसे ये अपनी तरफ खींच सकते हैं, साथ ही पूर्ण बहुमत की बहुमत पाने की कोशिश में पूर्ण बहुमत इन्हें कैसे मिलेगा। 25 सीट पर काबिज है बीजेपी और 28 सीट पर काबिज है पीडीपी और 87 सीट है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। अगर वहाँ पे अगर चाहिए उमर अब्दुल्ला कहीं से भी जो हैं उमर अब्दुल्ला जो हैं कहीं से भी अपने तेवर नरम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं किसी को समर्थन नहीं करने जा रहा हूँ और जो भी अफवाहें आ रही हैं जो भी बातें आ रही हैं मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो पीडीपी हो। यानी कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आगे सियासी घटनाक्रम क्या सामने आएंगे ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि देखा जाए तो अभी अगर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का आंकड़ा अगर मिल जाता है किसी भी पार्टी से तो समझिए वहाँ पे सरकार बनना तय है, लेकिन अभी तो फिलहाल वहाँ पे राज्यपाल शासन लगा हुआ है, लेकिन कब तक राज्यपाल शासन लगा रहेगा ये भी सवाल है। क्या साल 2019 के लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाएंगे जब पूरे परिणाम सामने आ जाएंगे उसके बाद कोई वहाँ पर समाधान निकलेगा समस्या का, या फिर यहाँ वहाँ पर भी बदस्तूर जम्मू कश्मीर में इसी तरह से शासन चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन टूटा है इसकी सबसे जो अहम वजह, भले ही बीजेपी कई बातों का राग अलाप रही हो लेकिन सबसे मुख्य वजह जो है वो है साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी तरह से एक डर सता रहा है ये समझ लीजिए, या फिर देश हित की बात समझ लीजिए, या फिर जो बीते दिनों जो सुजात बुखारी की वहाँ पे हत्या हुई है औरंगजेब जो जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर जिस तरह से घिरी है, सीज फायर उल्लंघन को लेकर घिरी है मोदी सरकार लगातार घिर रही है, कठुआ कांड को लेकर मोदी सरकार घिरी है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घिर रही है, बहुत सवाल है, अहम तो वजह तो बहुत सारी, ये सारी वजह बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत अहम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसमें सबसे अहम वजह है अगला साल यानी 2019। ऐसे में काउंटडाउन शुरू ही हो गया है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ते जाएगा और साल का अंत आएगा और साल 2019 का आगाज होने में कुछ वक्त होगा वैसे वैसे स्ट्रैटजी और ज़्यादा जोर पकड़ेगी। खैर महबूबा मुफ्ती का अगर जिक्र करूँ तो अब तो वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके तेवर जो मीडिया को संबोधित कर रही थी इस्तीफा देने के बाद उस तेवर साफ बयां कर रहे थे कि वो बीजेपी को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं हटेंगी, और उन्होंने खुद कहा था कि हमें पता था कि हमारी दोनों की मेंटालिटी में जमीन आसमान का अंतर है, हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए घाटी की सुंदरता के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक प्यार बढ़ाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिला था, पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था, ये सबसे बड़ी वजह रही कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आए, लेकिन अब वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट गई हैं, वो उम्मीदें अब कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई हैं। और ऐसे में यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूँ तो उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं कार्यशैली को गिराया कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया,
इशारों इशारों में उन्होंने मोदी सरकार को वार्निंग दी कि बाहुबल से काम नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर आपका दुश्मन राज्य नहीं है। हम भी ये कहते हैं महबूबा मुफ्ती जी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अपना राज्य है, लेकिन वहाँ के लोग हिंदुस्तान को क्यों नहीं मानते हैं, इसका जवाब आप दीजिए। आपने 3.5 साल वहाँ पर शासन किया, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि आपके 3.5 साल शासन करने के दौरान वहाँ की आवाम हमें मानने लगी अपना या हिंदुस्तान को मानने लगेगी, लेकिन आपने क्या किया, ऐसी कौन सी कवायद शुरू की जिससे कि वहाँ पर जो है वहाँ की जो आवाम है हमें अपना मानने लगे। पत्थरबाज जो ईद के पाक त्यौहार पर पत्थरबाजी हुई उसका जवाबदेह कौन होगा, आप ये बताइए ज़रा। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल को लेकर अगर बीजेपी ने उंगली उठाई है तो उसमें कुछ तो सच्चाई हमें भी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती फेल हुई हैं अपनी कार्यशैली को लेकर। और ऐसे में ये भी खबर थी कि अगर यहाँ पर बीजेपी पहले दाव नहीं चलती तो आगामी अक्टूबर में मुफ्ती अपना दाव चल लेती और वहाँ पर गठबंधन तोड़ देती, और यहाँ पर अमित शाह ने पहले ही अपनी चाणक्य बुद्धि लगा दी और महबूबा मुफ्ती को लगा दिया ठिकाने, और उन्होंने यहाँ पे गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खोलकर बात सामने आ रही है कि हमने राष्ट्रहित में पीडीपी से गठबंधन तोड़ा। अब इसी बात को भुनाएगी अगले साल बीजेपी, खुलकर जनता के सामने बोलेगी कि जम्मू कश्मीर में हमने वहां पर अलायंस किया, लेकिन हमें जैसे ही अलायंस से संतुष्टि नहीं मिली हमने अलायंस तोड़ने का कदम भी उठा लिया, जबकि शासन में कम से कम 2 साल का वक्त बाकी था। हुआ ना ये बीजेपी का मास्टर गेम, मिल गया उसको हाथ से एक तुरुकाई का, और उसमें जनता जनार्दन कितनी फंसती है वोट की ताकत से साबित करेगी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे कल मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।